हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो गाइस, अनुराग दिस साइड। तो यार आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, जो कि है एडवर्टाइजमेंट्स इन इंडिया। और ये तो काइंड ऑफ सब टॉपिक है, मैं एक पर्टिकुलर कंपनी की बात करूँगा, उस कंपनी का मैं नाम नहीं लूँगा। तो इंडिया में एडवर्टाइजमेंट इतने ज़्यादा गलत तरीके से दिखाए जा रहे हैं आजकल। अभी मैं कुछ ही दिन पहले इंस्टाग्राम पे ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, तो उसमें एक ऐड आता है कि क्या आप दिन में $1,000 कमाना चाहते हैं, तो इस लिंक पे दबाइए और दिन में 2-4 घंटों में $1,000 कमाएं। मैंने सोचा मैं जॉब छोड़ देता हूँ, फिर सैमसंग का अपनी यही काम कर लेता हूँ, जो 2-4 घंटे में $1,000 मिल जाएंगे। ऐसे कुछ कंपनीज हैं वो, मतलब आजकल क्या चल रहा है, जो एस्पिरेंट्स हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं, वो फैंग कंपनीज को टारगेट करते हैं। फैंग से मेरा मतलब है फेसबुक, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, इन टाइप की कंपनीज को। तो जितने भी एडटेक स्टार्टअप्स हैं, उनका चाहे एक बंदा प्लेस ना हुआ हो फैंग में, पर उनका जो बैनर होगा ना, उसमें ज़रूर लिखा होगा कि वी गॉट आर स्टूडेंट्स प्लेस इन फैंग। कोई भी एडटेक स्टार्टअप उठा के देख लो तुम, किसी का नाम नहीं लूंगा मैं, पर कोई भी जो तुम्हारा मन करे ना, वो एडटेक स्टार्टअप उठा के देख लो, बैच में से एक बंदा प्लेस हो जाएगा फैंग में, तो वो हल्ला काट देंगे कि हमारा बच्चा फैंग में प्लेस हुआ है, और अगले 10 बैचेस तक दिखाएंगे। चाहे अगले 9 बैचेस में एक बंदा प्लेस ना हो, पर अगले 10 बैचेस में वो दिखाएंगे कि हमारा बच्चा फैंग में प्लेस हुआ है। तो ऐसे ही अब जैसे ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, तो हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने उसमें मैंडेटरी कर दिया कि 6th क्लास के बाद कोडिंग कंपलसरी है, मतलब हर बच्चा 6th क्लास ऑनवर्ड्स कोडिंग करेगा। तो इसमें क्या होता है, इंडियन पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा कंपेटिटिव होते हैं अपने बच्चों को लेके, कि हमारा बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए किसी भी चीज़ में, ठीक है। तो सेम इस चीज़ के साथ हुआ, और थोड़ा सा कोडिंग से पेरेंट्स के दिमाग में साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी जाता है कि कहीं हमारा बच्चा पीछे नहीं रह जाए कोडिंग में, क्योंकि हमने तो कभी करी नहीं, मतलब मोस्ट पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो हम सिखा भी नहीं पाएंगे। तो व्हाट दे डू इज़ दे ट्राई टू फाइंड सम ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग। और क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा था पूरा, तो ऐसे ही टाइम पे एक कंपनी एमर्ज हुई, उसका नाम चेंज करके बोल रहा हूँ मैं, वाइट स्कैम सीनियर, राइट। तो इस कंपनी ने तो भाई हदें पार कर दी, ये करती क्या है, 6th क्लास ऑनवर्ड्स बच्चों को कोडिंग सिखाना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो ये तो था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि ये वीडियो किस बारे में होने वाली है। अब हम चलते हैं कुछ क्लेम्स जो इस कंपनी ने करे, राइट। तो यार ये देखो, उस कंपनी का एड है और इनकी मिसलीडिंग लैंग्वेज को देखो तुम। स्पेस टेक्नोलॉजीज नंबर 1 फ्यूचर फॉर किड्स, योर किड कैन कोड अ स्पेसशिप इन जस्ट 46 मिनट्स। योर किड कैन कोड अ स्पेसशिप, जो रॉकेट स्पेसशिप्स होते हैं, योर किड कैन कोड दैट इन 46 मिनट्स। 46 मिनट इज द एग्जैक्ट टाइम दे आर गिविंग। स्टार्ट फ्री कोडिंग एंड स्पेस टेक ट्रायल एज 6-14। यार अब मैं तुम्हें अपनी लीड कोड की प्रोफाइल दिखाता हूँ, ठीक है। लीड कोड, जिन लोगों को नहीं पता, लीड कोड बेसिकली एक ऑनलाइन कोडिंग अपनी स्किल्स बढ़ाने के लिए, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम स्किल्स बढ़ाने के लिए एक वेबसाइट है, ठीक है। तो पिछले मार्च में मैंने शुरू करा था, और अभी दिसंबर में 10-15 दिन पहले तक मैं कर रहा था, ठीक है। तो इसमें मैंने 609 सबमिशंस करे हैं, 609 बार मैंने अपना कोड सबमिट कराने की कोशिश करी है, और उसमें से सिर्फ 239 बार मेरा कोड चला है। और ये बंदे बोल रहे हैं कि 46 मिनट्स में हम तुम्हारे बच्चों को कोड करना सिखा देंगे एक स्पेसशिप। भाई सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो घिस रहे हैं कोड शेफ पे, कोड फोर्सेस पे, लीड कोड पे, वो सब तो बेवकूफ़ हैं। हम में यार उसमें ही वाइट स्कैम सीनियर में कर लेते हैं पार्टिसिपेट, और 46 मिनट में अगर मैं स्पेसशिप कोड कर सकता हूँ, तो कोई भी स्पेस एजेंसी, नासा या ISS उठा लेगी मुझे, है ना। मस्त, इतने ज़्यादा मिसलीडिंग एड्स हैं। स्पेस एक्स पे काम कर सकता है आपका बच्चा, और लिखा भी है हाउ टू वर्क एट स्पेस एक्स। स्पेस एक्स पे कैसे काम करना है, वाइट स्कैम में जाओ, 46 मिनट्स में आप कोड करना सीख लो एक स्पेसशिप को, और आप स्पेस एक्स में हो जाओगे। स्पेस एक्स का जो ओनर है एलॉन मस्क, उसको पता भी नहीं होगा ये कंपनी वाइट स्कैम सीनियर है क्या, ठीक है। और तुम कह रहे हो कि तुम वहाँ पे उन्हें बच्चों को काम करा दोगे, चलो ठीक है भाई, एक मिसलीडिंग ऐड हो गया, कोई नहीं, गलती हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक ऐड निकाला, इससे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक इन द सेंस, ये देखो, ये उसी सेम कंपनी के 3 ऐड्स हैं, ठीक है, उसी सेम कंपनी के 3 ऐड्स हैं। पहले ऐड में क्या है, 9-year-old वॉल्फ गुप्ता लर्न्ड कंप्यूटर्स टू अर्न 150 crore फ्रॉम गूगल वीडियो, while other kids
एट हिज एज वर सर्फिंग यूट्यूब वीडियोस। 150 करोड़ का पैकेज लगाया 9 साल के बच्चे का, और उसका नाम है वुल्फ गुप्ता। भाई साहब, मैं यार 23 साल का हो गया हूँ, मैंने आज तक अपनी लाइफ में किसी बंदे का नाम वुल्फ नहीं सुना। वुल्फ का मतलब भेड़िया होता है यार, भेड़िया गुप्ता। क्या करना चाह रहे हो? मतलब अगर तुम एक फेक एड बना भी रहे हो तो कम से कम ऐसा तो बनाओ कि थोड़ा कन्विंसिंग हो, ठीक है? और इंडिया में मेरे गली में आज कोई बंदा किसी कंपनी में सेलेक्ट होगा ना, पूरी गली में हल्ला हो जाएगा और न्यूज़पेपर में प्रिंट हो जाएगा। और ये बंदा वुल्फ गुप्ता 9 साल की उम्र में 150 करोड़ का पैकेज लेके बैठा है गूगल से। इसका पूरे इंटरनेट पे कोई जिक्र नहीं है एक्सेप्ट फॉर दिस कंपनीज वेबसाइट। इस कंपनी की फेसबुक के एड्स, इंस्टाग्राम एड्स के अलावा कहीं नहीं है वुल्फ गुप्ता का मेंशन। यार एक इंडिया का बंदा अगर इतना तगड़ा काम कर रहा है ना, सारे के सारी न्यूज़, सारे की सारी प्रेस उसे कवर करेगी पहली बात तो, ठीक है? और वो इतना सही तरीके से फेमस होगा और यूट्यूब चैनल्स उसे कवर करेंगे और सोशल मीडिया पर वो कवर होगा, सिर्फ एक कंपनी नहीं करेगी। और सिर्फ एक कंपनी अगर किसी बंदे को पोस्ट कर रही है तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा एग्जिस्ट नहीं करता है। और ये ही केस था, ये जो ऐड है ना पूरा, ये ऐड ही फेक है। ऐसा कोई बंदा एग्जिस्ट नहीं करता है, वुल्फ गुप्ता नाम का कोई बंदा एग्जिस्ट नहीं करता है। और ये बात इस कंपनी ने खुद एडमिट करी है कि हाँ, वुल्फ गुप्ता नाम का कोई बंदा एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमारी खुद की क्रिएशन है। और चलो ठीक है, तुमने फेक ऐड बनाया तो यार उसमें थोड़ी कंसिस्टेंसी तो रखो। देखो ये जो पहले वाला है ना, इसमें कह रहे हैं कि 9-year-old वुल्फ गुप्ता लर्न कंप्यूटर टू अर्न 150 करोड़, ठीक है ओके। फिर दूसरा ऐड है 1.2 करोड़ की सैलरी मिली उसे 12 की एज पे, तो उस लड़के की एज कम हो गई, एज बढ़ गई सॉरी, और सैलरी कम हो गई। चलो ठीक है यार, हो जाते गलती। तीसरा ऐड 30-year-old वुल्फ गुप्ता लर्न AI टू गेट 20 करोड़ जॉब फ्रॉम गूगल वाइल अदर किड्स वर डूइंग समथिंग एल्स। सेम नाम वुल्फ गुप्ता, 3 डिफरेंट एजेस, 3 डिफरेंट पैकेजेस। क्या है भाई ये, क्या ही है, नाटक कर रखा है बिल्कुल। और यार ये सब बहुत मार्च से या फरवरी से, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है ना तब से चल रहा है। एक बंदा है प्रदीप पूनिया, ठीक है, इस बंदे को हैट्स ऑफ करना चाहूँगा मैं। इस बंदे ने ये पूरा का पूरा जो स्कैम चल रहा था, इस पूरे को एक्सपोज करा है। और इसको एक्सपोज करने के चक्कर में वो बंदा आज खुद ट्रबल में है। ये जो कंपनी है वाइट स्कैम सीनियर, ठीक है, इस कंपनी ने उस बंदे पे लॉसूट लगा दिया है कुछ 15+ करोड़ का। एक बंदा जो सच एक्सपोज कर रहा है उस पे 15+ करोड़ का डेफेमेशन केस लगाया है इस कंपनी ने। मतलब कोई बंदा अगर सच दिखा रहा है ना तो उस पे डेफेमेशन केस लगा दो, इतना ऐसे इतने पैसों का कि वो कभी जिंदगी में दे ही ना पाए। इस बंदे का यूट्यूब चैनल था, कोरा चैनल था, लिंक्डइन चैनल था, इतने सारे चैनल्स, फेसबुक चैनल था, सब कुछ टाइम के लिए या तो टेम्परेली सस्पेंड हो गए और कुछ चैनल्स परमानेंटली डिलीट हो गए, ठीक है। अभी भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा ना, अगर मैं तुम्हें यूट्यूब फेसबुक पे दिखाऊंगा, सॉरी यूट्यूब पे दिखाऊंगा, तो इस बंदे ने ऐसे प्रदीप पूनिया 3.0 ऐसे करके चैनल्स बनाए अब, ठीक है। इसका 1 वाला चैनल का कुछ नहीं पता मुझे, 2 वाले का कुछ नहीं पता, ये 3 वाला चैनल है इसका जो अभी फिलहाल चल रहा है, राइट। तो इस बंदे को थैंक्स, प्रदीप पूनिया को, और मेरा और मेरे फ्रेंड्स का जो हम इस चीज़ पे डिस्कस कर रहे हैं, इस बंदे को पूरा सपोर्ट है कि मतलब इसने इतना बड़ा ये जो धांधलेबाजी चल रही है इसको एक्सपोज करा और उसके बदले में मिला गया 20-15 करोड़ का लॉसूट। मैं तुम्हें बताऊंगा कि फीस कितनी लेते हैं, तो ये कुछ 1.5 लाख की फीस लेते हैं, 1.5 लाख इंडिया में, 1.5 लाख रुपीस, इंडियन रुपीस, और उसमें ये कोडिंग वगैरह सिखाते हैं। तो यार अब तुम 1.5 लाख रुपए दे रहे हो, अगर मेरा ही खुद का अगर बच्चा होता और मैं 1.5 लाख रुपए दे रहा होता तो मैं पक्का से टेस्ट करके देखना चाहता कि जो उसे टीचर पढ़ा रहा है वो टीचर को कुछ नॉलेज है। अगर मैं किसी ट्यूटर 1.5 लाख रुपए छोड़ो यार, अगर मैं कहीं 5,000 रुपए भी ट्यूशन देके पढ़ रहा हूँ ना, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं बेस्ट टीचर से पढ़ूँ। तो हुआ क्या, ये जो बंदा है प्रदीप पूनिया, इसने भी शायद अपने किसी कज़न वगैरह को एनरोल किया होगा। तो उस बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा कि क्लाउड स्टोरेज क्या होता है। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, हम इतना सुनते हैं आजकल कि क्लाउड में स्टोर्ड है डेटा क्या है। तो उस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि मैम व्हाट इज़ क्लाउड स्टोरेज।
तो जो टीचर ने रिप्लाई कराया ना उसे सुन के तुम हैरान हो जाओगे। ठीक है, मैं सुनवाता हूँ तुम्हें। मैम, ये फ्लाउ फाइल्स जो है ये क्लाउड में कैसे सेव होती है मैम? मतलब ये कहाँ पे होती है? फाइल्स क्लाउड में क्यों सेव होती है? यस मैम, बिकॉज क्लाउड इज, व्हाट इज अ क्लाउड? क्लाउड इज समथिंग व्हिच इज इन ओपन, इन स्पेस, राइट, इन ओपन एयर, करेक्ट? यस मैम। सो एवरी टाइम लाइक यू, इफ यू हैव अ लॉट ऑफ डेटा, टू मच डेटा, okay, you will first try to save it in your laptop. Yes. Then if your laptop is also full, then you will try to save it in a pen drive. If your pen drive space is also full, then you will try to save it in a hard disk, correct? Yes. If your hard disk is also full, then what can you do? You can only save it in air, in space, in cloud, right? तो इस टीचर ने क्या बताया कि जब तुम्हारे कंप्यूटर लैपटॉप की स्पेस भर जाएगी तो तुम उसे पेन ड्राइव में सेव करोगे। ठीक है, जब पेन ड्राइव भी भर जाएगा तो तुम उसे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में सेव करोगे। जब तुम्हारी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी भर जाएगी तो तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है, तुम स्पेस में, एयर में अपना डेटा स्टोर करोगे, हवा में। शी इज सेइंग कि वी विल स्टोर द डेटा इन एयर। और क्या बोल रही है वो मैम कि कोई डिवाइस की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली एयर में डेटा स्टोर कर सकते हैं। क्लाउड मैम, हाउ कैन सो मेनी फाइल्स बी सेव्ड? ओके, सो दैट्स व्हाई वी सेव इट ऑन क्लाउड। मैम, हाउ कैन सो मेनी फाइल्स बी सेव्ड इन क्लाउड मैम? सॉरी। तो उस जो भी बच्चा था, ये उसका जेन्युइन क्वेश्चन था कि यार क्लाउड में इतनी सारी फाइल, मतलब एयर में इतनी सारी फाइल्स कैसे स्टोर हो सकती हैं। तो उसका रिप्लाई देखो क्या आया। हाउ कैन सो मेनी फाइल्स बी सेव्ड इन क्लाउड? Cloud is like imaginary, okay, an imaginary space, imaginary space. ये imaginary space क्या होता है मैम? मतलब क्या होता है इसका मतलब? Okay, it's an imaginary space. इसका मतलब क्या होता है मैम? Yeah. Imaginary space का मतलब? Okay, now Lakshmi, click on rename button. तो जब वो टीचर सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाई तो बच्चे ने दो तीन बार पूछा कि मैम ये इमेजिनरी स्पेस क्या होता है, तो उस टीचर ने उसको पूरा काट दिया। ओनली रीजन बींग कि उसे आंसर पता ही नहीं था क्लाउड का क्या होता है। यार क्लाउड का तुम्हें आंसर नहीं पता तो बच्चे को साफ साफ बोल दो ना नहीं पता। उस बच्चे को पहली बात तो तुम गलत नॉलेज दे रहे हो, ऊपर से उसकी बात काट के फिर उसने कहा कि तुम अपना जो भी मैं क्लास ले रही हूँ उसका आगे प्रोसेस कंटिन्यू करो। यस मैम, क्लाउड में ही सेव होता है, वो इमेजिनरी स्पेस है। यू डोंट रिक्वायर एनी डिवाइस और यू डोंट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट टू सेव इट इनसाइड दैट। मैम, कहीं पे तो सेव होता होगा ना, हार्डवेयर में या फिर सैटेलाइट में, कहीं ना कहीं तो होता होगा, सैटेलाइट में ही होता होगा। नहीं नहीं, सैटेलाइट में नहीं होता है। तो कहाँ होता है मैम ये? सैटेलाइट में नहीं होता है तो कहाँ होता है? सैटेलाइट में नहीं होता है, इट विल हैपन ओनली इन द क्लाउड। क्लाउड इज नथिंग बट अ फ्री मूविंग थिंग अराउंड यू। कैन यू सी द एयर अराउंड यू? नो, राइट? तो उस बच्चे ने पूछा कि मैम ये तो मतलब कहीं भी स्टोर नहीं होता, तो कहीं सैटेलाइट में या कुछ वगैरह वगैरह में स्टोर होता होगा। तो उसकी टीचर ने रिप्लाई करा नहीं, कि जैसे तुम एयर को नहीं देख सकते वैसे तुम क्लाउड को भी नहीं देख सकते और क्लाउड में डेटा स्टोर होता है। इतना खतरनाक आंसर दिया क्लाउड में। चलो ठीक है, एक केस हो गया, मे बी एक इनकॉम्पिटेंट टीचर रख रखा होगा इन्होंने। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये जो मतलब गेम वगैरह बनवाती है कंपनी, ये जावास्क्रिप्ट में बनवाती है। ठीक है, तो पहली बात तो उस टीचर को पता ही नहीं था कि कौन सी लैंग्वेज में पढ़ा रही है वो, राइट? तो उसने पहले कहा कि ये हम जो प्रोग्रामिंग करेंगे, जो भी वो प्रोजेक्ट बनवा रही थी उसमें उसने बोला कि ये प्रोग्रामिंग जो हम कर रहे हैं जावा में करेंगे। ठीक है, फिर कुछ देर बाद उसने बोला कि जावास्क्रिप्ट में करेंगे। तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो गए कि यार जावा में करेंगे यार जावास्क्रिप्ट में करेंगे। तो यहाँ से उसको डाउट आया ऑब्वियसली कि जावा और जावास्क्रिप्ट में फ़र्क क्या होता है। तो यार उस टीचर को जावा और जावास्क्रिप्ट में फ़र्क ही नहीं पता था। ठीक है, उस केस में हुआ क्या, इस टीचर ने गूगल सर्च करा और गूगल सर्च पे से एग्जैक्ट आंसर पढ़ दिया। मैं तुम्हें सुनवाता हूँ। Java applications are run in web browsers or machines, while JavaScript is run on a web browser. देख रहे हो, पूरा का पूरा जो गूगल सर्च पे आता है ना लिख के डिफरेंस बिटवीन जावा एंड जावास्क्रिप्ट, वो ही लाइंस उसने पढ़ दी। और उसके बाद ये भी ऐड कर दिया कि ये चीज़ें तुम्हें बाद में समझ आएंगी, क्योंकि उस टीचर को खुद ही नहीं पता कि जावा और जावास्क्रिप्ट में फर्क क्या है। Okay, you will only be able to understand this difference once you learn it. Okay, so for that you have to start from the basic. Otherwise, it will be a bit confusing here.
कह रही है कि तुम्हें बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा वरना तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होगा। तो ये तो सीन चल रहा है 1.5 लाख की फ़ीस देने के बाद, फेक एड्स दिखाने के बाद, और कोई कोई तुम्हें कह रहा है कि अपनी स्ट्रैटेजी सही कर लो तो उस पर तुम डेफेमेशन केस लगा दो कि हमें डिफेम किया जा रहा है, उसका केस लगा दो। तो दिस इज़ वॉट दिस कंपनी वाइट स्कैम सीनियर इज़ डूइंग। चलो और आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। तो और ये अपनी पॉलिसीज़ में लिखते हैं कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जो है वो ये लोग अलाउ करते हैं कि अगर तुम पॉजिटिवली क्रिटिसाइज़ करोगे उनकी कंपनी को तो बेसिकली वो उसे पॉजिटिवली लेंगे और अपने प्रोडक्ट को और अच्छा करेंगे। पर हो क्या रहा है, कोई भी कंटेंट अगर इनके अगेंस्ट होता है ना तो वो तुरंत के तुरंत यूट्यूब से हटा लिया जाता है। मेरे को खुद नहीं पता कि ये जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ये कितनी देर तक यूट्यूब पर रहेगी, हो सकता है 10 व्यूज़ में हट जाए और हो सकता है स्टे कर जाए, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन कोई भी कंटेंट जो इन्हें एक्सपोज करना चाहता है वो उसकी वीडियोस, लिंक्डइन पोस्ट, कोरा पोस्ट, वो तुरंत के तुरंत डिलीट कर दी जा रही है, राइट। और एक 12 साल के बच्चे ने ऐसी हंसी मजाक की वीडियो बनाई कि मैं सिक्स क्लास में जब था तो ऐसे ही मज़े करते रहता था इधर उधर, और ये आजकल कोडिंग का सीन चल रहा है, ठीक है। एक 12 साल के बच्चे ने बनाई ये वीडियो, ठीक है। उस 12 साल के बच्चे की यूट्यूब चैनल से भी ये वीडियो डाउन कर दी गई। मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो। बस इस बंदे ने इतना बोला था कि जब मैं छोटी एज में था तो मैं ऐसे मजा करता था इधर उधर, मेडल वेडल जीतता था, और इसके एज में अगर मैं कोडिंग नहीं सीख पाऊंगा, मतलब आज के ज़माने में ऐसा हो रहा है कि अगर उस एज के बच्चे को कोडिंग नहीं आती तो वो बेकार है, सिर्फ इतना बोला था इसने, और उस कंपनी का नाम मेंशन कर दिया था। तो उस वीडियो को डाउन कर दिया गया, हटा दिया गया यूट्यूब से। बहुत कुछ खराब चल रहा है यार। और वो चीज़ मैं इस पर नहीं दिखा रहा, अपना खुद करके नहीं दिखा रहा, पर गूगल प्ले स्टोर पर इन जो ऐप्स हैं इस कंपनी की, वाइट स्कैम सीनियर की, वो सारी की सारी जितने भी रिव्यूज़ हैं ना उस पर, वो सारे के सारे कॉपी पेस्टेड रिव्यूज़ हैं, ठीक है। एक बंदे 4-5 कीवर्ड्स उठा रखे हैं उन्होंने कि एक्सेलेंट टीचर्स हैं और फ्लेक्सिबल क्लासेज हैं, इसको कुछ कुछ टाइप के हैं, और उन्हीं कमेंट्स को जंबल करके ऊपर नीचे डाल रखा है। इन्होंने अपनी वेबसाइट पर मेंशन कर रखे हैं 3 लाख प्लस रिव्यूज़ हैं इनके, ठीक है। और गूगल प्ले स्टोर पर तुम जाके देखोगे तो कुछ 4,000 से 4,500 के बीच में रिव्यूज़ हैं। तो भाई वो जो 3 लाख वाला ब्रैकेट है वो तुम कहाँ से दिखा रहे हो? पूरा प्योर जो इन्होंने दिखा रखा है ना कि इतनी बड़ी कंपनी है, इतने बड़े बड़े इनके अचीवमेंट्स हैं, ये सब है, ये पूरा का पूरा फेक है, सिर्फ इंडियन पेरेंट्स को ल्योर करने के लिए कि वो अपने बच्चे 1.5 लाख रुपये फूंक दें उस पर और वो भोंदू ही रहे, ठीक है। और चलो यार 1.5 लाख रुपए तुमने मान लो कि अगर दे भी दिए और कंटेंट अच्छा है कि जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है वो अच्छा है, वो काम की चीज़ है, मस्त है एकदम, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कंटेंट भी पूरा का पूरा, यार मैं कोड करता हूँ, मुझे पता है कि अगर एक बग आ जाता है ना उसमें तो उसे फिक्स करने में पूरा दिन भी निकल सकता है और एक हफ्ता भी निकल सकता है। इनका जो कोडिंग सिखाने का जो तरीका है वो है ड्रैग एंड ड्रॉप वाला, कि तुम ये चीज़ ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले आओ, फिर ये चीज़ ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले आओ, ये चीज़ ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले आओ, तो ऐसे करके एप्लीकेशन बन जाएगी। मतलब वो एक प्री बिल्ट सॉफ्टवेयर है, प्री बिल्ट सॉफ्टवेयर है, उसमें तुम बच्चों से ड्रैग एंड ड्रॉप करवा दो एक पर्टिकुलर फैशन में, जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड कुछ, तो वो जो है वो ऐप एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में काम करने लगेगी। तो ये इनका ऐप बनवाने का तरीका है। यार तुम्हें सिखाना है तो स्क्रैच से कोडिंग सिखाओ ना। वैसे ही मैं ICSE का स्टूडेंट हूँ, 8th क्लास से वैसे ही जावा पढ़ानी शुरू कर देता है, तो 6th क्लास में पढ़ानी शुरू कर दो जावा। तो ये जो वाइट स्कैम सीनियर कंपनी है, ये 6th क्लास वाले बच्चों का जावा ही पढ़ा दो तुम, वेरिएबल्स, इनिशियलाइजेशन, इंस्टेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब सिखाओ ना यार। ये क्या ड्रैग एंड ड्रॉप सिखा रहे हो ना? कुछ 6th क्लास का बच्चा तो भोंदू तो होता नहीं है कि वो जावा सीख नहीं सकता। जब 8th में सीख सकता है तो 6th में थोड़ी सी और मेहनत करके सीख लेगा। तो सिर्फ काम का तमीज़ वाला कंटेंट सिखाओ ना यार, C++ सिखाओ, जावा सिखाओ। ये क्या तुम उसे ड्रैग एंड ड्रॉप स्क्रैच पे सिखा रहे हो? 1.5 लाख रुपए भी ले रहे हो और उसे कबाड़ सिखा रहे हो? और ये भी नहीं है कि ये सब बहुत ज़्यादा यूनिक कंटेंट है जो स्क्रैच है और ये सब है, ये यूनिक कंटेंट भी नहीं है। फ्री कैम कोड पे पूरा का पूरा पड़ा हुआ है ये,
कि हाँ हाउ टू वर्क विद स्क्रैच, पूरा का पूरा यूट्यूब पे बकायदा ट्यूटोरियल्स बने हुए हैं कि कैसे जो वो सिखा रहे हैं 1.5 लाख रुपए लेके वही सेम चीज़ फ्री में। तो क्या मतलब है यार 1.5 लाख रुपए लेने का? सारा का सारा कंटेंट जब यूट्यूब पे फ्री पे अवेलेबल है तो क्यों? मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा एक इसके बाद कि जितने भी बच्चे हैं 6 से 12 तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मतलब 6th class से 8th class तक या 9th class तक के अगर उन्हें कोडिंग सीखने तो वो कहाँ से सीखे? बिलीव मी, यूट्यूब पे, गूगल पे, स्टैक ओवरफ्लो और इतने सही सही स्लैक के चैनल्स बने हुए हैं, उन पे इतना ज़्यादा फ्री कंटेंट बढ़िया मस्त तरीके से अवेलेबल है। मैं खुद बना रहा हूँ फ्री कंटेंट, तो तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है यार 1.5 लाख रुपये इस फीस देने की। ये जब मैंने चैनल बनाया था ना तो सिर्फ इसीलिए बनाया था क्योंकि मैंने बहुत पैसे फूके कोडिंग अकेडमीज में, ठीक है? किसी कोडिंग अकेडमी का मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैंने खुद बहुत पैसे फूके हैं, 3-3 अकेडमी में मैंने पैसे फूके हैं। और मेरे को पता है यार कंटेंट ठीक है उन अकेडमीज़ का, अच्छा था, सही था, लेकिन जितने वो पैसे लेते हैं उसके बराबर वर्थ नहीं होता वो। इसलिए मैंने सोचा कि यार मैंने अब नॉलेज गेन कर ली है तो जो जो मुझे आता है वो मैं कम से कम फ्री में डाल दूँ अगर मेरे पास टाइम है। तो यार ये पूरा है वाइट स्कैम सीनियर का सीन। तो अगर जो भी बंदा इस वीडियो को देख रहा है प्लीज़ शेयर करो, और इंडियन पेरेंट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने बच्चे को कोडिंग सिखाना चाहते हो तो प्लीज़ थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड ले लो। इन एड्स में मत जाओ कि 150 करोड़ का पैकेज लग गया या फिर SpaceX में या टेस्ला में आपका बच्चे का एडमिशन हो जाएगा अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में एनरोल करा दोगे। तो ऐसे नहीं होता है, कोडिंग इज़ नॉट ईजी, कोडिंग इज़ नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है? और ये जो ड्रैग एंड ड्रॉप वाली चीज़ है ना, ये एक्चुअल कोडिंग नहीं है। अगर गूगल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके बनाने लगे ना तो कुछ नहीं होगा, दे हैव टू राइट कोड एक्चुअली फ्रॉम द कीबोर्ड, तब जाके कुछ होता है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, आई होप कि तुम्हें ये पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो ताकि ये जो स्कैम्स चल रहे हैं इंडिया में काफ़ी लोगों को पता चलें। इंडियन पेरेंट्स, होगा यार तुम लोगों के पास बहुत पैसा, लेकिन उसे सही चीज़ में डालो, ठीक है? और कुछ ऐसे भी पेरेंट्स हैं मिडिल क्लास के जो अपने बच्चे का अच्छा फ्यूचर के लिए, वो उन पर इतने पैसे नहीं होते पर वो इकट्ठा करके देते हैं इन अकेडमीज़ को कि हमारा बच्चा पढ़ लेगा तो हम थोड़े इकट्ठे कर लेते हैं या फिर अपनी इच्छाएं कम कर लेते हैं। तो उन पेरेंट्स के लिए या फिर थोड़ा अगर विलेज वाला एरिया है वहाँ पर तो 1.5 लाख रुपये बहुत बड़ी अमाउंट होती है, और पेरेंट्स के अगर मन में ख्वाब ये एक बार भी आता है कि हमारा बच्चा गूगल में चला जाएगा ये कोर्स करके और वो अपने कुछ ज़मीन वमीन बेच देता है, तो यार ये बहुत ही गलत हो जाएगा, ठीक है? तो सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल है, सारा कंटेंट यूट्यूब पे डाला हुआ है, freecodecamp.org पे पड़ा हुआ है, वहाँ से पढ़ो। और किसी बच्चे को अगर कोई ये वीडियो देख रहा है और कोडिंग सीखना चाहता है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। तुम मेरा इंस्टाग्राम हैंडल इस वक्त स्क्रीन पे लिखा हुआ रहेगा, मैं तुम्हें गाइड कर दूंगा, तुम्हें कंटेंट्स के लिंक दे दूंगा, खुद मेरे पास टाइम होगा तो मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। लेकिन यार इन सब स्कैम्स में मत पड़ो, 1.5 लाख रुपये बहुत ज़्यादा होता है एक किसी भी फैमिली के लिए। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, प्लीज़ कीप शेयरिंग, थैंक यू।